हेलो एवरीवन, वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस क्लासेस 80 क्वेश्चंस ऑफ अवेयरनेस. इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम 81 एंड वी विल कवर टोटल ऑफ 20 क्वेश्चन. दैट मींस फ्रॉम 80 टू 100th क्वेश्चन एंड दिस विल बी लास्ट पार्ट ऑफ अवेयरनेस. सो बी अवेयर एंड वी विल स्टार्ट टुडे. Before starting, I would like to say, if you are new to our channel, please subscribe and you can go on playlist. We have uploaded few videos of English language proficiency and there is quite a nice explanation of English problems. तो आप वहाँ जाकर English की playlist भी check कीजिए और English के videos को भी देखिए, तो आपको और भी फायदा होगा. आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रही हूँ तो भी आप इंग्लिश को तो देखें ही, क्योंकि इंग्लिश लगभग सभी में होती है और लगभग सभी में सिलेबस भी सेम होता है. सो यू कैन गो चेक और प्लेलिस्ट ऑन दैट. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RIE एंड PTET और एनी BEd एग्जाम, देन कंटिन्यू वॉचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड. वी आर हियर विद यू. सो 81st क्वेश्चन इज, हाइपोस्थीशिया इज जनरली फाउंड इन. सो स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि HYPOESTHIE ये होता है, तो इसमें इसकी स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसके आगे हाइपोस्थीशिया. ओके, एंड हाइपोस्थीशिया इज नंबनेस, व्हेन यू कांट फील. नंब होता है ना, सुन्न पड़ जाना, वो चीज़ होती है. ठीक है, हाइपोस्थीशिया. सो इसका जो आंसर है वो है सी, कन्वर्जन हिस्टीरिया. कन्वर्जन हिस्टीरिया में आपके सेंस करने का, सेंस जैसे हम करते हैं ना कि फील करने वाला, टच करने वाला, देखना है, जो फाइव सेंसरी अपने क्या बोलते हैं, इंद्रियां होती हैं, है ना, पांच इंद्रियां होती हैं जो आपको सेंस करवाती हैं, वो ठीक से काम नहीं करती हैं और एक्ट आप प्रॉपरली नहीं करते हो, मोटर डिसफंक्शन हो जाता है, मोटर एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है, एक्शन में आप हैंड्स मूव करने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में प्रॉब्लम आने लग जाती है ना, और थॉट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है. दिस इज कन्वर्जन हिस्टीरिया. तो जब हम नंबनेस की बात करें, हाइपोस्थीशिया की बात करें, तो ये सेंसरी डिसऑर्डर हो गया एक तरीके से. तो जब आपको सेंसरी प्रॉब्लम हो रही है तो दिस इज रिलेटेड टू कन्वर्जन हिस्टीरिया. ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. आप ब्लर्ड विजन इज जनरल सिम्टम इन. अब देखिए, फिर से ब्लर्ड विजन की बात आई. देखना इज ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन, सो आईज आर ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन. तो इसका आंसर होगा डी, कन्वर्जन हिस्टीरिया. सो 82 का आंसर है डी, कन्वर्जन हिस्टीरिया. 83rd क्वेश्चन, राइटर्स क्रैम्प इज अ सिम्टम इन. कि देखिए, जब कोई राइटर्स क्रैम्प होता है, यानी कि कोई लेखक है उसके हाथ में क्रैम्प आना, ठीक है, तो उसको राइटर्स क्रैम्प बोलते हैं कि वो लिखते वक्त ही आता है. तो ये जो 83rd क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, कन्वर्जन हिस्टीरिया अगेन, क्योंकि हमने बात की थी कि आपको एक्शंस में, हिलने डुलने में, चलने में, इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है कन्वर्जन हिस्टीरिया में. ठीक है, 84th क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन कैन नॉट राइट बट इज एबल टू यूज द सेम मसल फॉर अदर एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल टू शफल अ पैक ऑफ कार्ड्स और टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही सफर्स फ्रॉम. तो यहाँ पे आंसर होगा राइटर्स क्रैम्प सी. देखिए, ऐसे इश्यूज हैं ये डेफिनेटली ब्रेन से रिलेटेड हैं, क्योंकि चैप्टर भी अवेयरनेस है. अवेयरनेस यानी चेतना, चेतना का सीधा संबंध होता है आपके माइंड से. ओके, सो जब आपके माइंड में प्रॉब्लम होती है तभी ऐसी चीजें होती हैं कि सेम मसल को आप एक काम के लिए यूज कर पा रहे हैं और दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर है राइटर्स क्रैम्प सी. 85th, मस्क्यूलर शेकिंग और ट्रेम्बलिंग्स आर अदरवाइज नोन एज. जो ट्रेम्बलिंग्स है दे आर अदरवाइज नोन एज ट्रेमर्स. आंसर इज ए, 85th का आंसर ए होगा. ओके, लोकलाइज्ड मस्क्यूलर ट्विचेस आर नोन एज टिक्स. कि किसी पर्टिकुलर मसल में ट्विचेस आ रहे हैं, है ना, तो वो टिक्स होगा. हम बोलते हैं ना, राजस्थानी में कहते हैं चटके चलना, वैसा कुछ. ठीक है, आगे चलते हैं. 87th, व्हेन ए पर्सन स्पीक्स ओनली इन विस्पर्स इट सीम्स ही सफर्स फ्रॉम. कि जब कई लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है बहुत धीरे धीरे बात करने की, है ना, तो जब बहुत ही ज्यादा धीरे विस्पर्स में ही कोई बात करता है, इट सीम्स दैट ही सफर्स फ्रॉम
एफोनिया, ठीक है। एफोनिया क्या होता है, अब आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे, है ना। वैसे 87th का आंसर हमने आपको बताया सी, एफोनिया। एफोनिया का मतलब होता है इनेबिलिटी टू स्पीक, कि आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, या दूसरा लैरिंग्स। लैरिंग्स साइंस की लैंग्वेज है, और साधारण भाषा में इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। आपका गले में वॉइस बॉक्स होता है एक, लैरिंग्स, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, वो डैमेज होता है, तो एफोनिया की प्रॉब्लम होती है। और जब एफोनिया की प्रॉब्लम होती है तो इंसान विस्पर्स में बात करता है। ओके, वी आर डन विद 87th क्वेश्चन। नेक्स्ट 88th क्वेश्चन, एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी प्रोटेक्ट्स द पेशेंट फ्रॉम एंजाइटी इन, कि जो भागना, निकल जाना किसी परिस्थिति से, है ना, चाहे कुछ चीजें भूलना भी एक एस्केपिज्म का पार्ट होता है, कि कोई बुरी याद है, आपका माइंड अपने आप उनको भुला देता है, बुरी चीजों को, ठीक है। तो ये भी एक एस्केपिज्म का ही रूप है। तो एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से दूर भागना, एक पेशेंट को किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से रक्षा करता है, ये सब ब्रेन की क्वालिटीज होती है, ये सब ब्रेन अपने आप करता है, ठीक है। तो 88th जो है क्वेश्चन, इसका आंसर है ए, कन्वर्जन हिस्टीरिया, कि अगर एस्केप कर आपका माइंड करने में आपकी मदद करता है उस टाइम पे रियलिटी से, तो आपको कन्वर्जन हिस्टीरिया वाली प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 89, एमनीशिया इन्वॉल्व्स, कि एमनीशिया इनमें से किससे संबंधित है, एमनीशिया के अंदर क्या निहित है। तो 89th का आंसर है बी, लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की जो प्रॉब्लम है वो होने लग जाती है एमनीशिया में। सोमनेबुलिज्म इज पॉपुलरली नोन एज, तो जो सोमनेबुलिज्म है, दिस इज स्लीप वॉकिंग, डी वुड बी दिस आंसर, और 89th का आंसर होगा बी। 89th का आंसर है बी, लॉस ऑफ मेमोरी, और 90th का आंसर है स्लीप वॉकिंग, डी। ओके, हम आगे चलते हैं, 91st क्वेश्चन, हिस्ट्री रिवील्स दैट ड्यूरिंग वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर टू, मेनी सोल्जर्स वर सफरिंग फ्रॉम। देखिए, जब वॉर्स होते हैं ना, तो क्या होता है, एक डर सबके मन में बैठ जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आसपास मार काट ऐसी चीजें होती हैं, तो उन सबका एक मनस्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में इतिहासकारों ने जब सर्वे जो है, ऐतिहासिक सर्वे, वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू जब हुए थे, तो ऐसे में जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई कन्वर्जन हिस्टीरिया की, ठीक है। सेंसरी मोटरी और साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो उनमें देखी गई कन्वर्जन हिस्टीरिया की प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, डिसोसिएटिव हिस्टेरिकल रिएक्शंस आर डिफाइंड एज, कि जो डिसोसिएटिव हिस्टेरिकल रिएक्शंस हैं, उनको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। तो 92 का आंसर है ए, डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो चेतना की सामान्य अवस्था है, उससे स्तर का परिवर्तन, बदल जाना, अलग अलग स्टेट्स होती हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी अभी प्रॉपर नहीं दी गई है, क्यों, क्योंकि डिसोसिएटिव हिस्टेरिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है, वो इस पर डिपेंड करेगी नॉर्मल स्टेट क्या है, और एक नॉर्मल स्टेट को डिफाइन करना आसान काम नहीं है। नॉर्मल इज नॉट नॉर्मल व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशंस, ओके। तो जब हम देखेंगे डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी जो चेतना का स्तर होता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है, उससे उसके स्तर में जो परिवर्तन होता है, वही डिसोसिएटिव हिस्टेरिकल रिएक्शन होता है। ये एक हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं इससे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, 93rd क्वेश्चन, When a person flees from his usual surroundings frequently moving to a new geographical location to start an entirely new life suffers from, कई लोगों का होता है ना कि एक जगह मन नहीं लगता,
कुछ दिन एक जगह रुके, फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज कर लेते हैं, फिर से एक नए तरीके से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये एक दो बार के लिए ठीक है कि आप किसी इमोशनल ब्रेकडाउन में निकले और फिर आपने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर ये बार बार होता है, ये यहाँ पे बोला गया है अ पर्सन फ्लीज फ्रॉम हिज यूजुअल सराउंडिंग्स फ्रीक्वेंटली, बारंबारता से, ठीक है। तो ऐसे में 93rd का आंसर होगा, ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है किस चीज की, इसका आंसर है सी, इसको फ्यूग कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर है सी, फ्यूग, और फ्यूग का मतलब होता है लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस आइडेंटिटी, कि उस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी ही भुला दी है, उसकी चेतना में उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है कि वो लोकेशन चेंज कर लेता है और मतलब नई जिंदगी शुरू कर देता है, बल्कि बात यह है कि वो अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है और इस वजह से वो अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाता है हर बार, ठीक है। सो विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 94th, सी जी जंग कॉल्ड ह्यूमन पर्सनैलिटी एज, कि सी जी जंग एक साइंटिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट रहे हैं, उनके अनुसार जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, मानव के जो व्यक्तित्व है वो क्या है, तो इसका आंसर है 94th का बी, साइकी। साइकी चेतना को कहते हैं, माइंड, सोल, आत्मा, ये सब साइकी जो वर्ड है साइकोलॉजी में उसके अंदर आते हैं, ठीक है। 95th क्वेश्चन, विल मूव ऑन नाउ। सो 95th क्वेश्चन, हु वाज फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोवर्शन, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं ना, वो वाली बात है यहाँ पे। हु वाज फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन, हु फॉर्मुलेटेड होगा, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा 95th क्वेश्चन में, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, तो इसका आंसर है 95th का बी, सी जे जंग, कि जो इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी जो लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट यानी जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, जो ज़्यादा बात करते हैं, मेल जोल रखते हैं, इंट्रोवर्ट जो अपने में ही खुश रहते हैं, गंभीर रहते हैं, वैसे लोग, तो ये जो कंसेप्ट है वो सी जे जंग ने दिया है, आंसर इसका होगा बी। Who was the inventor of 16 personality factor test? कि 16 personalities होती है psychology में, उनके जो factors होते हैं 16 factors का, उनका जो test है, इनमें से कौन से scientist ने दिया? तो 96th का answer है C, Cattell, ठीक है? Next question, personality is the sum total of actual or potential behavior patterns of an organism as determined by heredity and environment. Who has given the above definition of personality? कि आनुवांशिक रूप से और उसके पर्यावरण के रूप से, किसी ऑर्गेनिज्म के आनुवांशिक और पर्यावरणीय आधारों पर किसी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सम टोटल ऑफ एक्चुअल, मतलब कि कैसा वो करता है और क्या वो कर सकता है, पोटेंशियल जो बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, व्यवहारिक जो उनके पैटर्न्स होते हैं कि परिस्थितियां आ गईं तो वो क्या क्या कर सकता है और वो क्या क्या करता है, ठीक है। इन सब का जो व्यक्तित्व एक निकल कर आता है एक व्यक्ति का, उसके आनुवांशिक और सराउंडिंग के आधार पर, तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये डेफिनेशन जो दी है, ये किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो 97th जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है एसेंक, ठीक है। एसेंक ये एक साइकाइट्रिस्ट थे, इनके अनुसार जो आपकी सराउंडिंग है और आपके जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पूर्ण रूप से आप एक किसी व्यक्तित्व का जो बिहेवियरल पैटर्न होगा, जो व्यवहारिक पैटर्न्स आते हैं कि मतलब परिस्थितियों में हर बार वो कैसा रिएक्ट करता है, उनको उसका आनुवांशिक गुण के साथ ही उसका पर्यावरण भी प्रभावित करता है कि वो एक्चुअल कैसे रिएक्ट करता है और पोटेंशियली वो रिएक्ट कैसे कर सकता है इन सब चीज़ों को, तो ये उन्होंने एक व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। ये साइंटिस्ट हैं एसेंक, साइकाइट्रिस्ट बेसिकली, नॉट साइंटिस्ट। 98th क्वेश्चन, हु वॉज दी
फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल फाउंडेशन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल फाउंडेशन। तो 98th क्वेश्चन का आंसर है सी, सिगमंड फ्रायड। ये बहुत ही फेमस नाम है साइकोलॉजी का, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इनकी काफी बुक्स हैं, अगर आप साइकोलॉजी मेजर से होंगे 11th 12th में तो आप जानते भी होंगे। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, सामूहिक अचेतना, मतलब सामूहिक रूप से चेतना में नहीं रहने का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया, ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है 99th का आंसर है बी, सीजी जंग ने दिया। 100th, साइकोन्यूरोसिस यूजली अराइज आउट ऑफ, साइकोन्यूरोसिस जो है सामान्यतः किससे उत्पन्न होता है। 100th का आंसर होगा ए, मॉर्बिड फियर्स एंड एंग्जाइटीज, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो नॉर्मली डर से, एंग्जाइटीज यानी नर्वस हो जाना, किसी चीज की टेंशन रहना, इनसे ही होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो मॉर्बिड फियर्स एंड एंग्जाइटीज, जो मॉर्बिड फियर शब्द है यहाँ पे, मॉर्बिड फियर का मतलब होता है कि बर्डनसम, आपको भारी लगे ऐसे वाले फियर्स, जैसे कि आपने किसी की डेथ का डर रहे, किसी की डेथ होते देख ली हो तो वो चीज आपको सताती रहे, भार रहे आपके हृदय पर, तो वो है मॉर्बिड फियर्स। और एंग्जाइटीज तो आप सभी जानते हैं कि थोड़ी बहुत एग्जाम की एंग्जाइटीज भी होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो वैसी वाली चीज़ है। तो साइकोन्यूरोसिस जो है उनको उत्पन्न करने वाली ये वाली कंडीशंस होती हैं, ए मॉर्बिड फियर्स एंड एंग्जाइटीज। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अवेयरनेस चैप्टर को रैप अप करते हैं। आप हमारे साथ इतने आगे तक बने रहे उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप आगे भी हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, क्योंकि हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने का, आपके साथ बने रहने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और RIE को इस बार ही क्रैक कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।